औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मौजिज़ सामिनो कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाएं। अल्लाह पाक आपके तमाम दिली मकासद को पूरा करें। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में ज़बान देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब ख्वाब में ज़बान को लंबाई या चौड़ाई में कोई शख्स देखता है तो इस शख्स की कुव्वत गोई में ज़बरदस्त इजाफ़ा होगा। ख्वाब में कोई शख्स देखे कि उसकी ज़बान पर बाल उग आए हैं तो दलील है कि यह शख्स अपनी किसी बात की वजह से मुसीबत में पड़ेगा, परेशान होगा। ख्वाब में कोई शख्स अपनी ज़बान को छोटा देखता है तो ये ख्वाब देखने वाला शख्स झूठ बोलेगा, साजिशी होगा और धोखेबाज होगा, अय्यार होगा। ख्वाब में किसी की ज़बान चूसना, ख्वाब देखने वाला शख्स को इलम दानिश हासिल होगा, इलम हासिल होगा। ख्वाब में कोई शख्स अपनी दो ज़बानें देखता है तो ये शख्स इल्म और हिकमत की दौलत से मालोमाल होगा और इसको नेमत भी मिलेगी। ख्वाब में देखे कि इसके मुंह में किसी और ने ज़बान रख दी है तो दलील है कि ये शख्स को दूसरों के साथ बात करने में कुव्वत हासिल होगी। ये शख्स दूसरों के साथ बात करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा। ख्वाब में कोई शख्स अपनी ज़बान ज़ख्मी देखता है तो ख्वाब देखने वाला शख्स किसी परेशानी में बंधेगा या झूठ बोलेगा। ख्वाब में कोई शख्स देखता है कि उसकी ज़बान सूज गई है, ज़ख्मी हो गई है तो इस ख्वाब देखने वाले शख्स को अपने माल से माल का नफ़ा मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगा। कोई कारोबार करता है तो उसमें उसको तरक्की मिलेगी। ख्वाब में कोई शख्स देखे कि वो किसी औरत या अपनी बीवी की ज़बान काट देता है, इसकी ताबीर ये है कि ये ख्वाब देखने वाला शख्स इस औरत को बेलबास करेगा, बेआबरू करेगा, इसका राज अफशा करेगा। ऐसे शख्स पर इतबार नहीं किया जा सकता। मौज़े सामियों कराम, अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है, पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकल्लाह।